Hey guys, welcome to the channel, and today we are going to discuss stages of team development. So ये topic बहुत important है. ये मैं दो तीन paper मैंने review किए थे and उसके अंदर ये अलग अलग type से इसमें से questions पूछे गए हैं. So वो मैं आपको end में बताऊँगी कैसे questions थे. So अभी let's begin. So सबसे पहले जो stages of team development है, it was given by Bruce Tuckman. He was a psychologist and it was given in the year 1965. So he said that a team goes through 5 stages of development. So jo pura jo ek process hota hai team management ka, from the time a team is formed till the achievement of goal, wo pura ek 5 stages ke through jata hai. Stages starts from the time that a group is first meets until the project ends. So जब पहले मिलते हैं and project end होता है तब तक ये stages चलती हैं. Each stage plays a vital role in building a high functioning team. So हर stage का एक अपनी importance है and it is really important for a proper functioning of the team. So 5 stages हमारे ये हैं. सबसे first is forming, second is storming, third is norming, fourth is performing and fifth is adjourning. So these are the 5 stages of team development. Sabse pehla stage, that is forming, it is the first stage of development. Now it is similar to orientation day at a new institute or college. Like hamare college ka first orientation day hota hai, hum log jaate hain, apne batchmates se milte hain, hamare head kon hai wo pata chalta hai, classes ka pata chalta hai. Similarly, जब भी कोई प्रोजेक्ट या कोई भी किसी चीज़ के लिए टीम फॉर्म होती है तो उसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं. उन्हें बेसिक चीज़ें पता चलती है कि ये टीम एक्चुअली फॉर्म क्यों हो रही है. नाउ नेक्स्ट कम द टीम इज़ जस्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड एवरीवन इज़ पोलाइट एंड प्लीजेंट. जस्ट लाइक हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं सबसे प्यार से बात करते हैं, सिमिलरली इसमें भी टीम इज़ इंट्रोड्यूस्ड एंड दे आर पोलाइट एंड प्लेजेंट विथ ईच अदर. Most are excited to meet and interact with new people and start with something new. So they are excited and they are really enthusiastic to meet other people and bahut eager hote hain ki jo bhi project hai uske bare mein pata chale and they start working together. And isme jo last hai, that is discussion. So isme member skills, जो आपके members हैं teammates हैं उनके skills discuss होते हैं, उनका interest area, देन प्रोजेक्ट का क्या गोल है, इंडिविजुअल गोल्स क्या हैं एंड ग्राउंड रूल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेज इज स्टॉर्मिंग. नाउ इन दिस स्टेज वन बिकम्स अवेयर ऑफ टीममेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. हमें पता चलने लगता है कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उनका वर्किंग स्टाइल है. सो यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज़ नॉट फ्लॉलेस. हमें पहले लगता था सब परफेक्ट है, बट ग्रेजुअली हमें दूसरों के बारे में पता चलता है कि कहाँ उनमें कमी है. सो या तो वी एम्ब्रेस देम, या तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और द बॉन्ड विल एंड. सो इट्स लाइक या तो वो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है बिकॉज हमने उनकी फ्लॉज को एक्सेप्ट कर लिया है, या वी डोंट फील लाइक टॉकिंग टू देम, हमारा उनके साथ बॉन्ड नहीं बनता. Now the reality and weight of completing the task hits everyone. Now एक वो practicality सबके mind में आती है कि हाँ this was the task जिसके लिए ये team form हुई है. So एक वो reality check होता है कि अब करना है इसको, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें सबके mind में आने लगती है. The team may question authority और guidance of group leader. तो जो भी उनकी फंक्शनिंग, जो भी वर्क होता है उसके लिए जो अपनी उनकी अथॉरिटी होती है या जो भी उनको गाइड कर रहे हैं ग्रुप लीडर्स हैं, उनको दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि ये काम कैसे करना है, या ये मैं ही क्यों करूं, या इसको कैसे करेंगे, टाइमली कैसे कंप्लीट करेंगे. तो जितने भी इश्यूज आते हैं दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर हेड्स. नाउ एवरी टाइम द टीम एक्सपीरियंसेस अ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिजॉल्व इट. सो अगर तो ये रिजॉल्व हो गया टाइमली, सो तभी ये स्टेज आगे हम इसको कंटिन्यू कर पाते हैं टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द गोल. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड एट द अर्लीस्ट एंड वी शुड नॉट अवॉइड इट. सो ये इसका बेसिक पॉइंट है इस स्टेज का. नाउ द थर्ड स्टेज इज नॉर्मिंग. नाउ इन दिस स्टेज पीपल स्टार्ट टू नोटिस एंड अप्रिशिएट टीममेट्स स्ट्रेंथ. सो इसके अंदर फ्लॉज वगैरह से सब ऊपर आके दे स्टार्ट
रियलाइजिंग कि हाँ चलो अगर ये चीज़ें कमी है तो देर इज़ अ स्ट्रेंथ ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल द वे अ पर्सन कम्युनिकेट्स इज़ नॉट गुड बट द वे ही डज हिज वर्क इज़ एक्सीलेंट. सो पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट मे बी ही इज़ नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग विद अदर्स बट ही इज़ परफेक्ट इन कम्प्लीटिंग द वर्क. सो ये चीज़ें दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि चलो अगर वो बात ठीक से नहीं कर पा रहे बट वो काम अच्छे से कर रहे, तो जितनी भी उनकी स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ्स हाईलाइट होने लगती है और जो फ्लॉज हैं वो हाइड होने लगते हैं. दे स्टार्ट वर्किंग एज अ कोहेसिव यूनिट. कोहेसिव मीन्स एक एज अ टीम, लाइक मिल के काम करने लगते हैं एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ. द टीम में फेस न्यू चैलेंजेस एंड कन्फ्लिक्ट्स बट इट विल बी ईजियर टू डील दिस टाइम इफ़ इट वॉज ऑलरेडी डेल्ट बिफोर. सो अगर लास्ट स्टेज पे कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की जगह उसको डील कर दिया था तो इस स्टेज में भी इट विल बी ईजी टू डील विथ न्यू चैलेंजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. देन फोर्थ स्टेज इज परफॉर्मिंग. इन दिस स्टेज मेंबर्स आर कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड एंड फेमिलियर. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम किसी चीज़ के लिए ग्रुप फॉर्म करते हैं सो पहले एक कोऑर्डिनेशन में इशू आता है, देन वी स्टार्ट कोऑर्डिनेटिंग. देन एक स्टेज आती है जब सब खुश हैं, सबको पता है कि हमारा वर्किंग प्रोसेस कैसे हैं, हमें कैसे काम करना है, सबको अपना अपना टास्क पता है, तो देर इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन दैट टीम. सो ऑल द मेम्बर्स आर कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड एंड दे आर फेमिलियर इनफ विद द प्रोजेक्ट एंड द टीम. दे नो कि कौन बंदा कैसे काम कर रहा है एंड दे डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. उनको जस्ट अपने वर्क पे फोकस करना है. दे कैन नाउ ऑपरेट विदाउट सुपरविजन सिंस दे आर अवेयर ऑफ देयर वर्क एंड अदर पर्सन स्ट्रेंथ. सो दे डोंट नीड सुपरविजन. एवरी वन इज़ वर्किंग विद फुल स्पीड टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल. तो जितने भी लोग हैं सारे एक गोल अचीव करने की तरफ सब लोग काम कर रहे होते हैं. सम मे नॉट रीच दिस स्टेज एज दे फेल टू ओवरकम कन्फ्लिक्ट एंड कांट वर्क टूगेदर. सो प्रीवियस स्टेज में अगर वो कन्फ्लिक्ट ओवरकम नहीं हो पाते तो देर आर चांसेस कि वो स्टेज पे पहुँचे ही ना और वो पहले ही टीम एंड हो जाए. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो कन्फ्लिक्ट को ओवरकम करें, उसके साथ डील करें एंड अवॉइड ना करें. नाउ दिस इज़ द लास्ट स्टेज एट जर्निंग. सो इन दिस स्टेज द प्रोजेक्ट एंड्स एंड द टीम डिसबैंड्स. सो बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए वो टीम फॉर्म होती है, जो भी गोल्स होते हैं वो सब अचीव हो जाते हैं. एंड दिस स्टेज इज समटाइम्स कॉल्ड मॉर्निंग स्टेज बिकॉज द मेम्बर्स हैव ग्रोन क्लोज एंड फील अ लॉस नाउ दैट द एक्सपीरियंस इज ओवर. सो जस्ट बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से साथ काम कर रहे होते हैं, एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में भी फ्रेंडशिप का या किसी भी चीज़ का. सो जब ये प्रोजेक्ट एंड होता है एंड दे नो दैट नाउ दे आर गोइंग ऑन देयर डिफरेंट पाथ्स, सब अलग अलग अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए या अलग अलग अपने अचीवमेंट के लिए वर्क करेंगे, सो दे नो दैट वो जो साथ काम करने वाला एक्सपीरियंस था वो ओवर हो गया है. जिनके साथ उनका अटैचमेंट हुआ था मे बी वो उनके साथ दोबारा काम ना कर पाए. सो इसमें एक वो ग्रीफ रहता है सबको. सो दिस स्टेज इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टेज. सो अब इसमें जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो हमारे पास क्वेश्चंस आए थे वो दो तीन तरीके से आए थे, जिसमें थ्योरी गिवन थी एंड वो थ्योरी किसने प्रपोज़ किया, आपको मैच द फॉलोइंग करना है. सो उसमें थ्योरी स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट दे दिया था एंड दूसरी तरफ सारे जिन्होंने प्रपोज़ किया था उनका नाम था. यू जस्ट हैव टू मैच. सो उसमें ये इंपॉर्टेंट है. सेकेंड एक आया था कि आपको सीक्वेंसिंग करनी है, तो जितने भी स्टेजेस हैं वो रैंडम शफल्ड थे. सो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसको सीक्वेंस में अलॉट करना है. सो ये कुछ इसके बेसिक टिप्स से बहुत बार आया हुआ है. सो आई होप आप लोगों को समझ आया. सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ लेट मी नो योर रिव्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.